हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। आप देख रहे हैं क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी मैथ। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5। साथियों, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम इसमें देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कह रहा पहला क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में बदलिए। देखो, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले इस क्वेश्चन का हल दिखा दूँ तब, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर होता है। इसे याद रखना, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर होता है। ये आपको याद रखने हैं टॉपिक, जो भी मतलब मैं बता रहा हूँ इसका अभी मैं आपको बेसिक बता दूंगा। क्लास को पूरा देखना कि ये आता कैसे है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर में 1/100 ये मीटर, ये आता कहाँ से है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले अभी जिसका काम है यहाँ पर उसको याद कर लो, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें 1 किलोमीटर की, तो आप जानते हो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और भैया, जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर में अगर हम सेंटीमीटर देखें तो 1 लाख होगा। कितना होगा? 1 लाख सेंटीमीटर। ये याद रखना, अभी मैं इसका बेसिक बताऊंगा, ये आता कहाँ से है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन क्लास को एंड तक देखना। चलो पहले क्वेश्चन कर देते हैं। कह रहा 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए एवं किलोमीटर में। तो चलो ठीक है, यहाँ पे हल, 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। यहाँ पे आप फार्मूला लिखो, चूँकि इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं जानते हो? इंग्लिश में शायद इसे बिकॉज बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर, देयरफॉर, मतलब इसे हिंदी में इसलिए बोलते हैं, ठीक है। इसलिए 5 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 5 × 1/100 मीटर। अब इसी को आपको करना है हल, आपका उत्तर आपके सामने आ गया, इसे काट दो तो ये हो गया 1/20, कितना मीटर, 1/20 मीटर। इसे दशमलव में जब हम बदलेंगे, आप जानते हो इसे भाग करेंगे, काटे पीटेंगे, तो पॉइंट में जाएगा ये, तो कितना आएगा पता है आपको? पॉइंट में आएगा तो ये 0.05 मीटर आएगा। इसे हल करने का आसान तरीका समझ लो, इसको काटना नहीं है। अगर काट दोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 20 से आपको इसको भाग करना पड़ेगा, 0.05 आएगा ये, ठीक है। इसे अगर हम ना काटे होते तब कैसे बनता, इधर देख लो। जैसे देखो, हम लिखे थे 5 × 1/100 ना, तो भैया ये बन जाता 5/100 ना, यही बनता ना यहाँ जब मैंने काट दिया था। तो क्या करते इसमें ना, देखो नीचे 2 जीरो है ना, तो ऊपर वाली गिनती वैसे लिख लेते जो भी है, नीचे 2 जीरो है तो इसमें 2 अंक पर दशमलव लगाते, एक अंक ये पहले से है, एक क्या लगा देंगे, एक 0 मिला देंगे, मतलब ये 2 अंक हो जाएगा। और 2 अंक पर क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह से आपका ये 0.05 बन जाएगा। ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी बनता, ये मीटर हो गया। लेकिन अभी तो इसमें से हमारा केवल एक ही क्वेश्चन हुआ है, इसमें 2 क्वेश्चन कह रहा था, 5 सेंटीमीटर को मीटर में मैंने बदल दिया, इसका आंसर 0.05 मीटर आ गया। अब हमें इसको बदलना है किलोमीटर में। तो चलो ठीक है, किलोमीटर में अब हम इसको बदलते हैं। देखना, हम जानते हैं चूँकि 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना हो जाएगा, अगर इसे किलोमीटर की बात करें, 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/1 लाख, 1 लाख मीन्स 50, ये सेंटीमीटर होगा, वो सॉरी किलोमीटर होगा, याद रखना। मतलब 1 सेंटीमीटर में 1/1 लाख किलोमीटर। तो क्या कह रहा था? 5 सेंटीमीटर था ना, तो रख दो 5 × 1/1 लाख, बस गुणा कर लो फटाफट, तो क्या हो जाएगा? ये 5 बटे नीचे ये 5 जीरो, हाँ बस हो गया ना। अब क्या करोगे? देखो नीचे 5 जीरो है, दशमलव 5 अंक पे लगाओगे, हमारे पास सिर्फ 1 अंक है 5, 5 अंक पर दशमलव लगाने हैं, 1 अंक है, 4 अंक इसके आगे बनाओगे, ये बात समझ गए, ये कितना आ गया,
ये आ गया भैया किलोमीटर में, यानी 0.0005 किलोमीटर। बात समझ गए ना, इसे अस्पष्ट देख लो, इसके आगे 4 जीरो लगेगा 5 के आगे, तब फिर क्या है, 5 है, फिर यहाँ पॉइंट है। तो ये आपका पहला हो गया, लेकिन आपके मन में एक सवाल आया होगा, यार ये आता कहाँ से है, ये सब कैसे याद होगा, ये जो चार पांठी लिख दी अभी इतने में ही बस नहीं होने वाला है, इस तरह का अभी बहुत सारे सूत्र आएंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा मैं आपको बता दूँ, देखो उसको तो मैं बताऊंगा, लेकिन अब जो मैंने आपको सिखा दिया है उस पर आधारित इसको करना। सभी को किस में बदलो, सभी को मीटर में बदलो, मीटर और किलोमीटर में, ठीक है, इसे घर से करना। ये इसके लिए जो मैंने बताया उस पर आधारित आपके लिए होमवर्क है, देख रहे हो ना, 6 क्वेश्चन है। इन सब को आपको बदलना है किस में, मीटर और किलोमीटर में बदलना है। जैसे कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर बताया उसी तरह से मैं एक बार फिर से दिखा दूंगा, ये याद कर लो, ठीक है। इसी तरह से आपको करने हैं इन सभी को, जितने भी मैंने दिखाया 6 क्वेश्चन नीचे होमवर्क के लिए, इसे करना। फिर चलो आगे हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। देखो ये 7 प्रमुख राशियाँ, इनको आपको याद करना है, इन्हीं में अदली बदली होती है। अगर मीटर वाला देखोगे, चाहे चाहे आप ग्राम वाला देखोगे, किलोग्राम वाला मतलब एक प्रकार से बोलें तो दूरी, भार, या फिर जो लिक्विड यानी लीटर वाला, ये किसी भी स्थिति में आप इसको लेके चलोगे तो यहीं तक आपका ये आएगा, ठीक है, ध्यान से देखना और पूरा देखना। तो सब के लिए यहाँ पर अलग अलग स्थिति होगी। चलो हम सबसे पहले दूरी के बारे में मानते हैं कि हम दूरी के बारे में समझ रहे हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये हम करने वाले हैं, ठीक है। चलो 1, 2, इनकी सबकी नंबरिंग करो, 3 और ये क्या है, 4 एंड ये 5 और ये 6 और 7, 7 है, इन्हीं 7 को याद करना है, इन्हीं में अदली बदली होती है, ठीक है। अब लेकिन एक अभी मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब ये आता कैसे है, इसमें मैं यही बताने वाला हूँ इस लाइन पे, कि ये 100 सेंटीमीटर आता कैसे 1 मीटर में, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 ये मीटर होता है, लेकिन ये याद कैसे करें हम, सब में अलग अलग होता है, किसी में 100 होता है, किसी में 1000 होता है, किसी में 10 होता है। तो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, बस एंड तक देखना। देखो हमें ज़्यादा काम लगता है मीटर और सेंटीमीटर का, है ना, और ये किलोमीटर का, तीन हम ज़्यादा सुनते हैं, बाकी ये हेक्टो, डेका, डेसी, मिली, ये कम सुनाई पड़ता है। मिली जो है बहुत छोटी इकाई है, इसमें बहुत छोटी छोटी इकाई नापी जाती है, इसका काम बहुत कम लगता है आपकी लाइफ में। बाकी ये सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इसका यूज होता है, कपड़ा वगैरह खरीदते हो मीटर में नापता है, अगर कहीं जाते हो दूरी किलोमीटर में नापते हो, है ना, ये तो सुनते हो, लेकिन ये छोटी छोटी जो है बातें आपके लिए ज़रूरी हैं। चलिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर कैसे होता है, ये भैया ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, मीटर से सेंटीमीटर का घर जो है पास में ही है, पड़ोसी हैं, लेकिन बीच में एक लोग और भी हैं, समझो, मतलब मीटर ये हैं, इनके बाद में सेंटीमीटर का घर है, लेकिन बीच में एक लोग और मिलते हैं। तो इनकी नंबरिंग कर लो, कहाँ से, जहाँ से शुरू कर रहे हो यहाँ से तो मत करो, यहाँ से कर लो, चलो 1 और ये 2, मतलब किस नंबर पे हैं, मीटर से अगर हम लें तो ये सेंटीमीटर कितने नंबर पे आता है, यहाँ से इसको नहीं गिनना, यहाँ से 1, 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है ना भैया, यहाँ से तो हम चल ही रहे हैं, यहाँ क्या गिने, यहाँ 0 है, चलो यहाँ क्या 0 0 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, क्या है ये मीटर है ना, तो यहाँ लिखो 1 मीटर, ठीक, यहाँ भी क्या लिखो 1, ये सेंटीमीटर लिखो, लेकिन ये किस नंबर पे आ रहा है, 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, तो इसके बाद 2 जीरो लगाओगे, बस यही याद कर लो, बाकी कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। अगर हम मिलीमीटर की बात करें भैया, ये तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, 0 1 2 3 तीसरे नंबर पे ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो 1 मीटर इक्वल 1, यहाँ पे ये मिलीमीटर लिखो और यहाँ पे तीसरे नंबर पे थे तो यहाँ 3 जीरो लगाओ, बस याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको बड़े आराम से खुद ही याद हो जाएगा, समझ गए ना। अगर हम बात करें कि 1 मीटर में आपसे पूछें कि भैया कितना सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर तो आप समझ ही गए, अगर मैं पूछूं डेसीमीटर, 1 मीटर में कितना डेसी, कितना डेसीमीटर, तो ये तो बगल है नंबर एक, सिर्फ एक ना, तो यानी यहाँ 1 जीरो, यानी 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर, ये तो आप समझ गए भैया, मीटर के ऊपर वाली कहानी जो है वो हो गई क्लियर। लेकिन अब नीचे मामला फंसता है, इसमें कैसे करोगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर कैसे आता है,
चलो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें जाना है यहाँ पे क्या, ऊपर से, अभी नीचे से ऊपर, हम हर जगह नीचे से ऊपर जा रहे हैं इसलिए आपको इस तरह बता रहे हैं। अभी ऊपर से नीचे भी आएंगे लेकिन वो अलग बताएंगे। अब हमें किलोमीटर से कहाँ जाना है, मीटर। चलो यहाँ से काउंटिंग करो, 0, 1, 2, अब ये 3, अब वो 0 नहीं रह गया, उसकी कहानी ख़त्म हो गई चूँकि उसका यूज ख़त्म हो गया। 0, 1, 2, 3 तीसरे नंबर पे आ रहा ना, तो यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे, 1 किलोमीटर इक्वल क्या करना है, मीटर में ना, 0, 1, 2, 3 तीसरे पे आ रहा ना, तो भैया यहाँ 3 0 लगा दो बस, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अगर बात करें 1 किलोमीटर में कितना डेका मीटर, तो लिख दो, चलो 1 किलोमीटर बराबर एक क्या ये डेका मीटर, 0, 1, 2 दूसरे नंबर पे आ रहा ना, तो भैया 2 0 लगा दो, यानी 1 किलोमीटर में 100 डेका मीटर। देखो याद नहीं करना आपको, केवल ये याद रहे, गुनगुना लो बस, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये 7 राशियाँ याद कर लो, जहाँ भी काम लगेगा एग्जाम में, रफ पेपर में भी ऐसे खींच लेना, खींचने के बाद सारी कहानी यहाँ पे निकाल दोगे इसी से, समझ गए ना। इसको रटना नहीं है, रटने पे याद नहीं होगा। अगर हम बात करें कि 1 किलोमीटर में कितना, कोई भी निकाल दो इसमें से, अगर डेसी मीटर की बात करें, सेंटीमीटर की बात करें, चलो ये भी निकल जाएगा भैया, यहाँ तक 3 हुआ था ना, ये चौथे नंबर पे आ गया डेसी मीटर, भाई यहाँ 3 था, यहाँ चौथा हो गया, यहाँ ये क्या हो गया, 5वां, और यहाँ ये हो गया 6वां, मतलब मिलीमीटर। सबसे बड़ी इकाई किलोमीटर और सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर, जहाँ तक हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं लाइफ में। तो अगर बोलें 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब एम एम, आपने देखा होगा अक्सर जब हम लोग दरवाज़ा वगैरह लेने जाते हैं, कभी देखा होगा लकड़ी वगैरह की नाप एमएम में करते हैं, कहते हैं कितनी मोटी पलाई भाई लगी है, तो 9 एमएम, जैसा आप जानते हैं जो आपके वाइट बोर्ड पर पढ़ाया जाता है उसमें, जिसमें लोग लिखते हैं, हम लोग लकड़ी का वाइट बोर्ड बनाते हैं, उसमें 9 एमएम की पलाई लगी है। एमएम का मतलब जानते हो, बहुत छोटा, ठीक है। तो अगर कहें 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर, तो 6 हो रहा है ना, तो यहाँ 1 के बाद 6 0 लगाओगे, कितना लगाओगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 0 लगाओगे, 4 हो गया, 5, 6, इसे गिनोगे तो 1,000,000 हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000,000,000, 10,000,000, मतलब 1 किलोमीटर में 1,000,000 मिलीमीटर होता है। कितना होता है, 1,000,000 मिलीमीटर। हर चीज़ का यूज अलग अलग होता है। किलोमीटर का प्रयोग आप बड़ी दूरी नापने के लिए करते हैं, जैसे सड़क की दूरी या फिर किसी शहर की दूरी, एक शहर से दूसरे शहर, जबकि ये मिलीमीटर की जो मतलब प्रयोग है, इसको हम बहुत छोटी इकाई नापने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखे होंगे मिलीमीटर में एक प्रकार से, अगर कोई आप नक्शा वगैरह बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा यूज होता है, मतलब छोटी छोटी इकाई, क्योंकि जगह कम होती है। और वैसे हम कपड़ा वगैरह की नाप में भी इसका यूज करते हैं, है ना। तो आगे चलें, ये पूरी कहानी तो आप समझ गए, लेकिन कहीं कहीं उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ना, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तब क्या करोगे। देखो अब इसमें कुछ हम आपको बताने वाले नहीं हैं, बस वही याद रखो। जैसे अगर ये है 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर, अब आपसे हम पूछें कि 1 डेकामीटर में कितना किलोमीटर, तो ये मतलब यहाँ से इधर आ रहा है, ये उधर जा रहा है, तो जो ये 100 था ना, वो 1/100 कर दो बस, 1/100 मतलब नीचे कर दो, 100 को ऊपर 1 कर दो, बस इतना ही अंतर करना, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है ना, समझ गए, ऐसे ही करना है आपको। चलो आगे बढ़ें, इस तरह से आप सब कर लोगे। अगर बोलें 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अगर हम आपसे बोलें कि भैया 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो 1/100 ये मीटर, बस हो गया, समझ गए ना। तो बस यही कहानी थी, इसके आगे इसमें और कुछ भी नहीं है ज़्यादा, बस आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, समझना है, उसके बाद और कुछ नहीं करना है। अब हम इसमें आपसे कुछ और भी क्वेश्चन करवा लेते हैं। चलिए, हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 जो है वो क्या होता है भैया, सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर अगर पहला मैं बोलूँ कि 7 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो कर लोगे ना, ऐसे लिखोगे, चूँकि 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, इसलिए 7 मीटर इक्वल 7 × 100 इक्वल 700 ये सेंटीमीटर, समझ गए ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन लगाने के तरीके हैं। अगर मैं इसी में और भी कुछ बता दूं आपको कि 12 किलोमीटर में कितना मीटर, 12 किलोमीटर में कितना मीटर,
तो आप इसे बड़े आराम से कर ले जाओगे। कैसे, देखो ऐसे, जैसे आप लिखोगे 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करोगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो यहाँ लिखोगे क्या, 12 किलोमीटर था ना, 12 किलोमीटर इक्वल 12 × 1000 बराबर ये 12000 मीटर। समझ गए ना कितना आसान है। अब्बू कॉला सारा क्वेश्चन खुद से कर लोगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख जाओ, तरीका सीख जाओ, बाकी आपको क्वेश्चन कहीं भी मिले, किसी भी तरह मिले, तो आप इसे कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में ही मिलेंगे, ज़िंदगी में भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर वैसे सामान्य लाइफ जी रहे हैं, अपना आप मकान बनवाएंगे, घर बनवाएंगे, वहाँ भी आपको ये सब जोड़ घटाना गुणा भाग का काम लगता है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, नहीं तो बड़ी शर्म लगती पूछने में, है ना, और फिर घाटा भी खा जाते हैं इसी के चक्कर में। तो स्टूडेंट ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप इस क्लास को यूट्यूब पर डेमो के रूप में देख रहे हैं या फिर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, तो आप दिए गए ऊपर दोनों व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन प्रीमियम लिख करके भेज सकते हैं किसी भी एक नंबर पर, या कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको कंप्लीट मैथ, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, जीरो लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक आपको सिखाया जाएगा। सिर्फ 30 से 90 दिन के अंदर आप सीख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी प्रीमियम क्लास के बारे में अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं किसी तरह से आप सामान्य क्लास देखते रहें, तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके रखें, फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनअकैडमी पर फॉलो करें, और पढ़ते रहें। जय हिंद।